हीरे और मेंढक। एक वक्त की दास्ता है, एक मछेरा और उसकी बीवी रहते थे। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था लीना। हर रोज मछेरा दरिया के साहिल की जानिब रवाना हो जाता और वापस आता अपने खानदान के लिए कुछ मुट्ठी भर मछलियां लेकर। एक दिन जब वो अपनी मछलियों के जाल बिछा रहा था, उसने एक तरफ देखा जहाँ उसने एक बड़े से पत्ते पर एक बच्ची को बहते हुए देखा। ए खुदा, ये बच्ची यहाँ क्या कर रही है इस दरिया में इस तरह बहते हुए? बेहतर होगा मैं इसे बाहर निकालूं, वरना ये डूब जाएगी। मछेरे ने संभाल कर उस बच्ची को उठाया और अपनी बीवी के पास घर ले गया। अजीजा, ये बच्ची पानी में एक पत्ते पर बह रही थी, मुझे उसे बचाना पड़ा और घर ले आना पड़ा। हमारे पास पहले से ही एक बेटी है, अब हम इसकी परवरिश कैसे कर सकेंगे? उस छोटी बच्ची का नाम फियोना रखा गया। मछेरा उससे अपनी बेटी की तरह मोहब्बत करता था। कुछ सालों के बाद लीना और फियोना खूबसूरत लड़कियां बनकर बड़ी हो गईं। जबकि लीना अपनी अम्मी की तरह दिखती थी, फियोना अपने अब्बा की तरह ही रहम दिल और ख्याल रखने वाली थी। मछेरा बहुत बीमार था और जल्दी ही मर गया। फियोना का दिल टूट गया। तुम हमारे लिए बदकिस्मती लाई हो, तुम बदकिस्मत हो। जल्दी ही फियोना के जानिब माँ की नफरत ज्यादा और ज्यादा बढ़ने लगी। उसने फियोना से एक नौकर की तरह सलूक करना शुरू कर दिया और उसे खानदान से जुदा कर दिया। वो उसे अकेले बावर्ची खाने में खाना खाने पर मजबूर करती और लगातार काम करवाती। फियोना को दिन में दो मर्तबा पानी भरने के लिए जाना पड़ता घर से 1.5 मील से ज्यादा का फासला तय करके, और घड़ा भरकर वापस लाना पड़ता। एक दिन वो एक आबसार पर गई और वहाँ रोते हुए बैठी रही। तभी एक गरीब खातून उसके पास आई और कहा, ओ खूबसूरत लड़की, क्या अपने घड़े से मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो, क्योंकि मुझे प्यास लगी है। क्यों नहीं, बेशक तुम पी सकती हो। फियोना ने अपने आंसू पोंछे और गरीब खातून के लिए पानी उडेला। इस बीच सारा वक्त घड़ा पकड़े रही ताकि वो आसानी से पानी पी सके। खातून ने पानी पी लेने के बाद कहा, तुम इतनी रहम दिल और बाअदब हो कि मैं तुम्हें तोहफा दिए बिना नहीं रह सकती। हर मर्तबा जब कुछ तुम्हारे दिल को छू जाए और वो आंसू बनकर बाहर आए, तो वो हीरे और मोती बन जाएंगे। वो गरीब खातून दरअसल एक परी थी, और जैसे ही उसने अपने हाथ जोड़े वो एक परी बन गई। फियोना के पास कोई अल्फाज नहीं रहे। जब इस यकीन के साथ फियोना उसके पांव पर गिरी, परी मुस्कुराई और गायब हो गई। फियोना घर पहुंची और उसने अपनी अम्मी को गुस्से में तमतमाया हुआ पाया। अबसार से वापस आने में तुमने इतनी देर कैसे लगाई? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि मैं और तुम्हारी बहन प्यासे हैं? फौरन तुम बावर्ची खाने में जाओ। माफ करना अम्मी। जैसे ही फियोना बावर्ची खाने में दाखिल हुई, उसने घड़ा नीचे रखा और वो जार जार रोने लगी। और बिल्कुल वैसे ही जैसे परी ने वादा किया था, उसके आंसू दमकते हुए हीरे और चमकते मोती बन गए, जैसे ही वो उसके गालों से नीचे गिरे। माँ बावर्ची खाने में आई और उसने देखा कि फियोना रो रो कर हीरे और मोती बरसा रही है। ये क्या है जो मुझे दिखाई दे रहा है? हीरे और मोती तुम्हारे गालों से झड़ते हुए, ये कैसे हो रहा है? फियोना ने समझाया कि क्या हुआ था जब वो आबसार पर गई थी, और उसकी अम्मी काफी हैरत में पड़ गई। लीना, तुम फौरन आबसार पर जाओगी। क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी मेरी प्यारी बच्ची ये तोहफा पाकर? तुम्हें बस आबसार से पानी भरना होगा, और जब कोई गरीब खातून तुमसे पानी मांगती है कि उसे पानी पिलाओ, तो उसे बहुत अदब से पानी पिलाओ, और जल्दी ही तुम्हें भी जितना तुम चाहोगी हीरे और मोती मिल जाएंगे। जैसा आप कहें अम्मी। बहुत अच्छा, तो फिर तुम जाओ। लीना आबसार पर गई और अपने साथ घर की सबसे खूबसूरत चांदी की सुराही ले गई। जब उसने आबसार से पानी निकाला, उसने एक बहुत ही सुंदर लिबास में एक खातून को जंगल से आते देखा, जो उसके पास आई और उससे पीने के लिए पानी मांगा। ओह खूबसूरत लड़की, क्या मैं तुम्हारी सुराही से पानी पी सकती हूँ? क्या मैं यहाँ तुम्हें पानी पिलाने आई हूँ? तुम्हें तो लगता होगा ना कि ये चांदी की सुराही बस तुम जैसी मल्लिका के लिए लाई गई है। तुम्हें जरा भी अदब नहीं है। ठीक है फिर, क्योंकि तुम इतनी रूखी और बदतमीज हो, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि हर दफा जब तुम बोलना चाहोगी तो तुम बस मेंढक की तरह टरटराओगी। लीना जब उसे रोकने लगी
तब वो अचानक टर्टर आई। ये जानकर कि अब बहुत देर हो चुकी थी, लीना रोने लगी। पर जब वो रो रही थी, तो उसके अंदर से सिर्फ टर्टराने की आवाज निकल रही थी। मेरी बेटी, ये कैसी आवाज तुम निकाल रही हो? लीना ने बोलने की कोशिश की, पर वो टर्टर आई। इसे बद्दुआ मिली है, मेरी बेटी पर लानत पड़ी है। ओ रहम करो, तुम ही हो जो इन सब की वजह हो, और जब वक्त आएगा तो तुम इसकी कीमत चुकाओगी। जाओ और बाहर से लकड़ी लेकर आओ, मेरी लीना भूख से तड़प रही है। पियोना को बहुत ठेस लगी थी और वो घर से बाहर भागी और रास्ते में जाते जाते हीरे और मोती गिराने लगी। अगली सुबह जब फियोना वापस खलिहान में अकेली बैठी थी, उसने गाना शुरू कर दिया। आज एक सुहाना दिन होगा, काश एक सुहाना दिन हो, मेरा दर्द दुख ले लो और मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करो। तभी एक शहजादा वहां से गुजर रहा था और उसने उसे दूर से देखा और वो उसे साफ साफ देख भी नहीं पाया। शहजादा मुस्कुराया, वो उसकी पुरकशिश आवाज से मुतासिर हो गया था। फियोना घर के अंदर वापस गई। उसे इसका इल्म नहीं था कि शहजादे ने उसे देख लिया है। शहजादा उसके चेहरे को देखे बिना रह ना सका। उसने अपने पहरेदारों को रुकने का हुक्म दिया और उस लड़की के घर गया उसे देखने। सलाम शहजादे, आपके आने की वजूहत क्या है? मैंने बाहर खलियान में एक सुंदर लड़की को देखा था। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत और दिलकश थी कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। वो कौन है? खैर, वो मेरी बेटी है। मैं जाकर फौरन ही उसे लाती हूँ। लीना, जल्दी ही अपनी बहन के कपड़े पहन लो और बाहर जाओ, क्योंकि एक शहजादा तुमसे मिलने आया है। ओह, तुम्हारी आवाज इतनी मीठी और इतनी दिलकश है। किसने मेरे दिल को मशरत से भर दिया है। मुझे तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने में बहुत खुशी होगी। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मेरे लिए एक बार गा सको तो, ताकि मैं तुम्हारी मीठी आवाज को कैद कर सकूं इस सीप में, ताकि मेरी अम्मी सुन सकें और इस निकाह के लिए अपनी रजामंदी दे सकें। लीना ने अपनी बौखलाहट में गाने की कोशिश की और वो टरटराने लगी। आखिर ये कैसा मजाक है? क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो? पहरेदारों, पकड़ो इस खातून को और ले जाओ इसे फौरन यहाँ से। शहजादे, मेहरबानी करके मेरी बहन को माफ कर दो, क्योंकि उसे बद्दुआ मिली है कि जब वो बोलना चाहती है तो वो एक मेंढक की तरह टरटराती है। मैं ही बाहर खलिहान में गा रही थी। शहजादा फियोना को देखकर हैरान हो गया, पर वो इस बात का यकीन कर लेना चाहता था कि उसे बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा। क्या तुम मेरे लिए गाओगी एक बार? ओ शहजादे, मेरी बहन को माफ करो, क्योंकि उस पर लानत है। ये मैं थी जो गाना गा रही थी, वो पहले से ही बहुत गमजदा है, उसे और बदतर मत बनाओ, मैं गुजारिश करती हूँ। शहजादा उसकी आवाज से बहुत मुतासिर हुआ। तुम्हारी आवाज उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि तुम हो, और ये दिखाती है कि तुम्हारा दिल भी बहुत ही खूबसूरत होगा। मुझे तुम्हें अपनी शहजादी बनाने में बहुत खुशी होगी। माफ करना शहजादे, मुझे नामंजूर करना होगा, क्योंकि ये मेरी बहन का ख्वाब है कि वो एक शहजादे से शादी करे। क्या? मैं एक झूठी मेंढकी से निकाह नहीं कर सकता। फियोना घुटने टेक कर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, ओ तिलस्मी परी, मेहरबानी करके मेरी मदद के लिए आओ और मेरी बरकत मेरी बहन को दो। मैं उसकी बद्दुआ अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ, ताकि वो अपना ख्वाब पूरा कर सके और एक शहजादे से निकाह कर सके। अपनी बहन को अपने लिए दुआ करते देखकर लीना दौड़ गई अपनी बहन को गले लगाने के लिए और वो रोने लगी। तभी उसके सामने परी नुमाया हुई। मैं देख रही हूँ कि तुमने अपना सबक सीख लिया। मैं तुम्हारी बद्दुआ वापस लेती हूँ और अब जब तुम बोलना चाहोगी तो तुम्हारे अंदर से बहुत खूबसूरत आवाज निकलेगी। परी ने अपनी तिलिस्म छड़ी घुमाई और लीना तिलिस्म में घिर गई, बिल्कुल अपनी बहन की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस तोहफे के लिए बहुत एहसान मंद हूँ। परी मुस्कुराई, उसने अपनी तिलिस्मी छड़ी घुमाई और गायब हो गई। मुझे तुमसे निकाह करके बहुत अच्छा लगेगा फियोना, क्योंकि मुझे तुम्हारे रहम और मुआफ करने वाले दिल से मोहब्बत हो गई है। और जहाँ तक तुम्हारी बहन का सवाल है, मेरा छोटा भाई भी उससे निकाह करने में खुशी महसूस करेगा और वो उसे बहुत खुश रखेगा। शहजादे की पेशकश सुनकर फियोना बहुत खुश हुई और उन्होंने फौरन निकाह करने का फैसला किया। एक शानदार निकाह का इंतजाम हुआ और दोनों बहनों की शादी हो गई। पूरी सल्तनत के लोगों को न्योता दिया गया, हालांकि उनकी माँ को न्योता नहीं मिला।
एक साल गुजर चुका था और सल्तनत ने खुशियां मनाई एक बहुत ही सुंदर छोटी शहजादी की पैदाइश पर। फियोना ने छोटी शहजादी को अपनी बाहों में उठाया। जब छोटी शहजादी पहली मर्तबा रोई, एक छोटा सा आंसू उसके गालों से गिरा और एक चमकते हीरे में तब्दील हो गया। एक मर्तबा फिर रहम फतेह याब हुआ।